हेडिंग डालिए प्लैंक क्वांटम थ्योरी। मैक्स प्लैंक नाम के साइंटिस्ट ने दिया। मैक्स प्लैंक नाम का एक साइंटिस्ट था। ये समझ लो कि जिस टाइम पे अल्बर्ट आइंस्टाइन ग्रेजुएट हुए थे उसके बाद वो साइंटिस्ट बनने के चक्कर में इधर उधर दौड़ रहे थे। इतना आसान नहीं होता था साइंटिस्ट बनना, पहले बहुत मुश्किल होता था। आज सारी चीज़ें, सारी फैसिलिटीज हमारे पास है तो बहुत ही आसान है, पहले इतना आसान नहीं। तो वो मान लो जोरी पॉलिटेक्निक एक कॉलेज है अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, वहाँ से अपना इंजीनियरिंग कंप्लीट किया। उसके बाद वो फिजिशियन बनना चाहते थे लेकिन घर की हालत इतनी बुरी थी कि उन्हें जॉब करनी पड़ी। जॉब करते समय उन्होंने अपनी कई थियरीज दी थी। उस टाइम पे मैक्स प्लैंक काफ़ी दमदार हुआ करते थे और काफ़ी बड़े लेवल पे थे, वो टॉप मॉडल के थे उस टाइम पे साइंटिस्ट में, क्लासिकल फिजिक्स देने वाले साइंटिस्ट कहलाते थे। तो ऐसा हुआ कि कई बार अल्बर्ट आइंस्टाइन की उनका जो स्पीय था मैक्स प्लैंक का, उसने अल्बर्ट आइंस्टाइन की कुछ थियरीज को पढ़ा और उसने मैक्स प्लैंक से जाकर के बोला कि एक साइंटिस्ट है हमारे नज़र में, एक बंदा है जो अभी किसी पोस्ट ऑफिस में काम कर रहा है लेकिन वो बहुत अच्छा कर सकता है अगर आप उसका थोड़ा सा साथ। इग्नोर कर दिया मैक्स प्लैंक ने। दूसरी थियरी उन्होंने बैक टू बैक थियरी पे थियरी थियरी पे थियरी थियरी पे थियरी देते गए। तो आखिरकार एक टाइम आया जब अल्बर्ट आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिया और उस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बाद अल्बर्ट आइंस्टाइन उनके मैक्स प्लैंक की नज़र अल्बर्ट आइंस्टाइन पे पड़ी और वो अपने असिस्टेंट को भेजे वहाँ पे जाकर के लेके आने के लिए अल्बर्ट आइंस्टाइन को। तो वो अपने ऑफिस में एक डेस्क पर बैठे हुए मस्त आराम से काम कर रहे थे। तो इनका असिस्टेंट पहुँचा वहाँ पे, तो जो वहाँ पे सूट बूट वहाँ का जो बॉस था सूट बूट पहन के बैठा था उससे जाके बोले कि हेलो, प्रणाम बताया और बोला कि आप अल्बर्ट आइंस्टाइन हैं। तो नहीं नहीं, अल्बर्ट आइंस्टाइन से मिलने, उधर देखो उधर सबसे फटा हुआ कपड़ा पहन के बैठा हुआ है। उधर आया, इसने अल्बर्ट आइंस्टाइन से मिला। अल्बर्ट आइंस्टाइन पहले एक बार दो बार अपना हाथ साफ किया, भाई हाथ गंदे थे उस टाइम पे, तब जाके उसने हाथ मिलाया और फिर उसने उसी टाइम पे अपनी थियरी ऑफ रिलेटिविटी वाला कॉन्सेप्ट पकड़ाया, जबरदस्त कॉन्सेप्ट। फिर वहाँ से अल्बर्ट आइंस्टाइन और मैक्स प्लैंक एक हुए और फिर धीरे धीरे रिसर्च आई। ये तो मैक्स प्लैंक की कुछ और अल्बर्ट आइंस्टाइन के बीच में रिलेशन कैसे बना और कैसे दोनों आगे आए, ये था पहला जो साइंटिस्ट था जिसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में कुछ बताया था, वो थे मैक्स प्लैंक। अब देखते हैं उन्होंने क्या किया। हम और आप, हम दोनों लोग धूप में निकलते हैं, हम सब धूप में निकलते हैं, तो धूप में निकलते के बाद क्या हमें गर्मी फील होती है? है ना, क्वेश्चन ये है कि क्यों? अगर आप किसी भी टीचर से, अपने स्कूल के किसी टीचर से बात पूछते हैं कि धूप में गर्मी क्यों फील होती है, तो वो तो बस एक ही काम करेगा, दो घंटा मारेगा। कई बातें, मौसम थोड़ा वेदर चेंज हो रहा है ना। ठीक है भाई, ठीक है, समझ गया। तो अभी हुआ ये, जरा देखो समझो, मैक्स प्लैंक ने जो थियरी दी थी उस थियरी में काफ़ी दिलचस्प बातें उन्होंने बताई। जैसे कि अभी तक हम लोगों को लग रहा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कॉन्टिन्यूस फॉर्म में चल रही है, लेकिन मैक्स प्लैंक के आते ही सब बदल गया। उन्होंने कहा नहीं, सन से लाइट हमें डायरेक्ट नहीं मिलती, छोटे छोटे पार्ट में मिलती है, पैकेट के फॉर्म में हमें मिलती है एनर्जी, हमेशा हमें पैकेट के फॉर्म में मिलती है। तो थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो गया, कह रहे ऐसा थोड़ी होता है, सूर्य से जो लाइट आ रही है वो तो कॉन्टिन्यूस आ रही है, हमारी पगल रही है। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन मैक्स प्लैंक ने कहा ना ये गलत। उन्होंने वहां पे ये थियरी दी, उन्होंने कहा पहले पॉइंट लिखेंगे, इनके पोस्टुलेट लिखेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ट्रेवल इन डिसकॉन्टिन्यूअस फॉर्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
ट्रेवल्स इन दिस कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। जब भी कभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ट्रेवल करती है वो किस फॉर्म में ट्रेवल करेगी? डिसकॉन्टिन्यूअस फॉर्म में। यानी कि हमें पहले लगता था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कुछ इस तरीके से ट्रेवल करती है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ये इस तरीके से ट्रेवल नहीं करती, बल्कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में इसे डिसकॉन्टिन्यूअस फॉर्म में ट्रेवल करती, छोटे छोटे पोर्शन में वो ट्रेवल करती है। और हर एक पार्ट को, हर एक डिसकॉन्टिन्यूअस पार्ट को हम लोग एनर्जी पैकेट का नाम देते हैं। क्या देते हैं? एनर्जी पैकेट। अब ये एनर्जी पैकेट एक रे के अंदर उसका साइज सेम होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखें, ईच डिसकॉन्टिन्यूअस फॉर्म of electromagnetic radiation are called energy packet or quanta. Quanta का मतलब non divisible particle, जहां भी quanta word use हो जाए समझ लेना क्या लिखा हुआ है, non divisible। यानी कि ये जो portion आप देख पा रहे हैं ये क्या है, एक तरीके का quanta। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो क्वांटा है, अगर ये एनर्जी पैकेट है तो इसका ये एनर्जी किन किन बातों पर डिपेंड करता है? सर क्वांटा अलग चीजें क्यों है? एटम तो बहुत पुरानी बात है, ये नहीं, ये क्वांटा है, क्वांटा एनर्जी है, ये एटम तो बहुत बड़ा है, अभी तो एनर्जी आपस मिलेगा तो जाके एटम बनेगा फिर, ठीक है। हम तो बात कर रहे हैं किसकी, सोचो ये इलेक्ट्रॉन निकालता है अपने अंदर से क्वांटा, ये क्वांटा कौन निकाल रहा है? इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है। अभी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा होता है, उसके साथ बाद प्रोटॉन फिर न्यूट्रॉन आपस में मिलते हैं तब एटम बनता है। एटम तो बहुत बड़ी बात बोल दिया आपने, ठीक है, ये क्वांटा है। ईच डिसकॉन्टिन्यूअस फॉर्म इज कॉल्ड क्वांटा। ओके, अब क्वेश्चन ये कि ये क्वांटा है तो क्वांटा एक एनर्जी होगा, क्वांटा क्या है, एक एनर्जी है। अब अगर ये क्वांटा एक एनर्जी है, अभी अभी बोला ना ये एनर्जी पैकेट है, तो क्वेश्चन ये है कि इसका जो एनर्जी है वो किन बातों पे डिपेंड करता है? इसके लिए उन्होंने अपने तीसरा पोस्टुलेट दिया, एनर्जी ऑफ ईच क्वांटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू frequency of electromagnetic radiation. Quanta जिस electromagnetic radiation का है उस electromagnetic radiation की frequency उसकी energy तय करती है, यानी कि energy of quanta this is directly proportional to nu. अब proportional है तो proportional का sign हटाना, अब कभी भी किसी भी proportional का sign हटाने के लिए हम लोग क्या use करते हैं, एक कांस्टेंट यूज करते हैं। यहाँ पे मैक्स प्लैंक ने अपना एक कांस्टेंट यूज किया था, वो कांस्टेंट था एच, और एक फॉर्मूला बनता है E equals to H into nu, where E is the energy of one quanta, एक quanta की एनर्जी। ओके, nu क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड एच इज द प्लैंक कांस्टेंट। ठीक, तो हमारे पास प्लैंक कांस्टेंट एनर्जी है और फ्रीक्वेंसी है, इन तीनों के बीच में एक रिलेशन। ठीक है, कोई दिक्कत? अब क्वेश्चन ये है कि अगर ये h कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू कितनी है? तो h
की वैल्यू होती है 6.62 × 10⁻³⁴ जूल सेकंड। ये एच की वैल्यू है, इसको आपको हमेशा याद रखना होगा। 6.62 × 10⁻³ जूल सेकंड एच की। कोई दिक्कत है किसी को? अब क्वेश्चन ये है, हमें ये बात पता चल चुका है कि सन से जो लाइट निकलती है वो सन की जो लाइट होती है वो किस फॉर्म में आ रही है? फोटोन के फॉर्म, क्वांटा के फॉर्म में आ रही है। यानी कि सूरज जब एनर्जी देता है तो छोटा छोटा क्वांटा हमारे शरीर के ऊपर आता है, गिरता है और गिरने के बाद हमें वो एनर्जी देता है। ये इनकी ये थियोरी बस यही तक थी क्या? E=h·E। और ये जो थियोरी है क्वांटम थियोरी, दिस इज अप्लीकेबल ओनली फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। आप किसी पार्टिकल के लिए बोलो, मैं कहूँ ये मार्कर के लिए क्या ये थ्योरी एप्लीकेबल होगा? आप कहेंगे नहीं। ये सिर्फ किसके लिए होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए यह थ्योरी होगी। मैक्स प्लैंक की ये थ्योरी जबरदस्त थी। क्या मेरी बात अच्छे से समझ आ रहा? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? इसी थ्योरी का यूज करके अल्बर्ट आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिया। सेम यही थ्योरी, इसी थ्योरी का यूज करके उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिया था। और वो जो भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिया था उसी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बाद अल्बर्ट आइंस्टाइन मैक्स प्लैंक के नज़र में आए थे और उसके बाद वो एक महान साइंटिस्ट बने आगे चल। कोई दिक्कत है किसी को? एक बार वापस देखते हैं, प्लैंक क्वांटम थियोरी क्या कहना चाहती है? प्लैंक क्वांटम थियोरी ये कहना चाहती है कि जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो कॉन्टिन्यूस फॉर्म में नहीं ट्रेवल करती, बल्कि किस फॉर्म में ट्रेवल करती है? छोटे छोटे टुकड़ों में। जैसे जैसे ट्रेन की डिब्बे की बात करें, मेट्रो आपकी आंखों के सामने से बड़ी तेजी से भाग रही है, बहुत स्पीड के साथ निकल, क्या आप उसके डिब्बे को डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे? आप बता पाओगे यहाँ से यहाँ तक एक डिब्बा, यहाँ से यहाँ तक बहुत तेजी से जा रही है, बहुत स्पीड है उसकी, बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। लेकिन अगर वो धीरे धीरे जाए तो सोचो, मेट्रो का डिब्बा तो बहुत बड़ा है फिर भी आप डिफ्रेंशिएट नहीं करें, जबकि स्पीड बहुत कम है। ज़्यादा ज़्यादा कितनी होगी? 60 किलोमीटर/घंटे की स्पीड, उससे ज़्यादा थोड़ी होगी मेट्रो की स्पीड, ठीक। अब 60 किलोमीटर/घंटे की स्पीड से मेट्रो चल रही है और बहुत बड़े बड़े डिब्बे, फिर भी आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहे। लाइट 300,000 किलोमीटर/सेकंड चल रही है, 300,000 किलोमीटर/सेकंड चल रही है और छोटे छोटे पार्टिकल के आप डिफ्रेंशिएट कर पाओगे? इसलिए हमें लगता है कि लाइट कॉन्टिन्यूस आ रही है, बट एक्चुअल बात यह है कि लाइट कॉन्टिन्यूस नहीं आती, वो छोटे छोटे टुकड़ों में आती है और उसी छोटे छोटे टुकड़े को, एक छोटे टुकड़े को हम क्या नाम दे रहे हैं? क्वांटा नाम। क्वांटा का मतलब होता है नॉन डिविजिबल थिंग्स, यानी कि आप इसको इससे ज्यादा नहीं छोटा कर सकते, यही सबसे छोटी चीज है, क्वांटा से छोटी कुछ भी नहीं हो सकती, इसलिए उसका नाम क्वांटा है। क्वांटा मीन्स नॉन डिविजिबल थिंग्स, ठीक। अभी पार्टिकल है या नहीं है ये बात की बात है, हमने क्या बोला? नॉन डिविजिबल थिंग्स इज कॉल्ड। क्या ये बात अच्छे से समझा? कि हर एक क्वांटा की एनर्जी अगर हमें कैलकुलेट करने है तो किस फॉर्मूले का यूज करेंगे? E=h·μ। अगर मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा दूंगा तो क्या इस क्वांटा की एनर्जी बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? बढ़ जाएगी, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और अगर फ्रीक्वेंसी की जगह पे मैं अभी थोड़ी देर पहले वेव की वैल्यू मैंने निकाला था, क्या न्यू इक्वेशन होता था सी बाई लैम्डा, अभी थोड़ी देर पहले निकाला था, तो क्या मैं यहाँ पे एक और फॉर्मूला बना दूँ? H=hc/λ। अब आप मुझे बताइए कि एनर्जी क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है बेटा लैम्डा? जितनी भी ज्यादा लैम्डा की वैल्यू जितना ज्यादा बड़ा होगा क्या उसकी एनर्जी उतनी कम होगी? यस नो? और अगर लैम्डा की वैल्यू छोटी होगी तो फ्रिक्वेंसी बढ़ जाएगी और उसकी एनर्जी उतनी खतरनाक होगी। क्या मेरी बात समझ आ रही? कोई दिक्कत नहीं है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन, कुछ लोग बहुत तेजी से चिल्लाते हैं और उसकी वजह से कान के पर्दे खराब हो जाते हैं। साउंड ही ले लो, दो टाइप के साउंड होते हैं, एक साउंड का बेस ज्यादा होता है, बेबी को बेस है, बेस ज्यादा होता है, और एक की बेस बहुत कम होता है, तो कौन सा वाला साउंड आपके कानों में दर्द करता है?
बेस जिसमें ज्यादा है, जिसका बेस बहुत कम है, जिसकी तीखी आवाज है। बेस कम होने का मतलब, बेस कम होने का मतलब होता है आवाज बहुत पतली सी आती है, ठीक है। तो जो बहुत पतली सी आवाज कानों में जा रही है वो ज्यादा तकलीफ देती है, या बेस पूरा जा रहा है बढ़िया से एकदम मोटी आवाज जा रही है कानों में वो ज्यादा तकलीफ देती है? जिसका बेस कम होता है वो ज्यादा, इसीलिए तो बेस बढ़ाया जाता है ताकि डीजे पे डांस कर सके। अगर बेस को कम करोगे तो मजा नहीं आएगा। बेस का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, ठीक। तो अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो आपकी कानों में ज्यादा तकलीफ दे रही है। क्यों ज्यादा तकलीफ दे रही है? क्योंकि फ्रीक्वेंसी के कम होने से, सॉरी फ्रीक्वेंसी कम नहीं, फ्रीक्वेंसी कम है मतलब बेस ज्यादा है। फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा है तो आपको कानों को तकलीफ हो रही है। क्यों कानों को तकलीफ हो रही है? उसका रीजन है क्योंकि फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा हो गया तो वेवलेंथ कम हो जाएगा, और फ्रीक्वेंसी और एनर्जी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो खतरनाक एनर्जी हो जाएगी, ज्यादा एनर्जी हमारा कान झेल नहीं पाएगा। गॉड ने जब हमारी बॉडी बनाया था उस दौरान हम लोगों को लिमिट में रखा, उन्हें पता था कि अगर हम अपनी लिमिट तोड़ देंगे तो हम भगवान से भी ज्यादा ऊपर चले जाएंगे। उन्होंने हर एक चीज लिमिट में रखी। बताओ आपकी देखने की पावर अनलिमिटेड कर दिया, आप अनलिमिटेड डिस्टेंस तक देख सकते हैं, इनफाइनाइट डिस्टेंस तक देख सकते हो ना। आप देखो तारों को देख लेते हो, सूरज को देख लेते हो, सबको देख लेते हो, आपकी आंखें अनलिमिटेड यानी इनफाइनाइट डिस्टेंस देख सकती हैं, लेकिन लिमिट लगा दिया कि इससे ज्यादा तेज रोशनी नहीं देख सकते, लिमिट लगी है। आपकी कानें, आपकी कान सब कुछ सुन सकती है लेकिन वो आवाज नहीं सुन सकती जो कुत्ते सुन सकते हैं, देख पाई या नहीं? 20 हर्ट्ज फिक्स कर दिया। आपकी नाक हर एक चीज को स्मेल नहीं कर सकती है, क्योंकि कुछ चीज स्मेल करने के बाद ब्रेन कहेगा बस नाक बंद कर ले, अब इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो अपना अपनी नाक बंद। आप एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से ज्यादा तेजी से नहीं चिल्ला सकते हो। सोचो अगर आपकी आवाज इतनी ज्यादा हो कि आप चिल्लाओ और यहां से लेकर के पूरी दुनिया को सुनाई दे दे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। आप एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी तक ही चिल्ला सकते हो, आप बोल सकते हो। आपकी बॉडी कोई भी एनर्जी झेल नहीं सकती। 40 डिग्री के इस टाइम पर गर्मी का मौसम चल रहा है, यहाँ तो आप अंदर बैठे हुए हो, बाहर जाकर के एक बार देखो आपका हाथ झुलस जाएगा, 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बाहर का, तो क्या हम झेल पा रहे हैं? नहीं, हमारी बॉडी इस हिसाब से डिजाइन की गई है कि वो लिमिट में है। उस लिमिट के बारे में डिस्कशन करेंगे, उस लिमिट के हिसाब से रेडिएशन अलग अलग तरीके से तय की गई। हम सारे रेडिएशन को नहीं झेल सकते। आखिर हमारी आंखें क्या सारी चीजें देख सकती है? नहीं, वो सिर्फ विजुअल रेंज के में आने वाली लाइट को ही देख सकती है। हम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन नहीं देख सकते, इसीलिए भगवान ने एक ओजोन लेयर तैयार किया ताकि हम इंसान बच के रह सके। भगवान मतलब कौन? कभी दिखाएंगे, नेचर, गॉड मीन्स नेचर। नेचर ने हमारे लिए कितना सारा मुसीबतें सही, वो हमारे लिए एक ओजोन लेयर बनाती है ताकि हम लोग सन से आने वाली लाइट से में अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है उससे हम बच सकें, और हम उसी नेचर को रोज बर्बाद कर रहे हैं। फिर भी बेचारी सहे जा रही है। हम रोज पेड़ काट रहे हैं, है ना, रोज पॉल्यूशन फैला रहे हैं, फिर नेचर तो बदला लेगी ना कभी ना कभी, और उसी नेचर के बदले की वजह से फिर इंसान भगवान को दोष देने लगेगा, अरे भगवान तूने क्या कर दिया। आप नेचर के साथ जो कर रहे हो, आप भी सोचो वो उसके बावजूद आपको प्रोटेक्ट कर रहे है। अचानक से वो नेचर अपना पूरा ओजोन लेयर हटा दे, एक दिन के अंदर इस दुनिया से हर एक जीव निकल जाए, लेकिन वो उसे पता है, वो तकलीफ आप दे रहे हो उसे, लेकिन फिर भी वो उसे पता है कि आप बच्चे हो। एक बाप को पता होता है आपका बच्चा कितना हद तक जा सकता है, उसे पता है, लेकिन फिर भी आप गलती करते हो ना, उसे पता है गलती तुम करोगे, क्योंकि वो पहले से करके आ चुका है, कभी वो भी बच्चा था, इसलिए वो कुछ नहीं बोलता आपको। काटता जरूर है लेकिन ऐसा नहीं गला काट देगा। तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करेंगे, प्लैंक क्वांटम थ्योरी को यहीं पे हमने खत्म किया। इसके बाद हम अल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी पढ़ेंगे और कुछ चीजें और जानेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में, फिर जाके बोहर्स थ्योरी स्टार्ट करेंगे। ओके ओके।